इस गेम पैड पे हम लोगों ने एक रिव्यू वीडियो बनाया था, तो हम लोग उसका रीमेक बना रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैंने कुछ फीचर्स नहीं बताए थे, और इसमें मैंने फिर से रिटर्न करा, एक्सचेंज करा लिया था, फिर उसमें नहीं आ रही है। तो मैं आपको इसका रिव्यू दिखाऊँगा। तो अभी के लिए पहले हम लोग वीडियो बना देते। तो देखो, बॉक्स आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, खोलते ही साथ आपको अंदर स्टिकर्स मिलते हैं, फिर मैनुअल, फिर कॉन्ट्रैक्ट स्कोर, और इसका विद यूज़र मैनुअल, और हम लोगों का मेन गेम पैड। और अभी मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा, पहले देख लेते हैं बॉक्स में और कुछ है या फिर नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे एक पाउच का है और एक चार्जिंग के बारे में, इसके अंदर आपको एक पाउच मिल जाता है। कुछ ऐसा लुक है और बहुत प्रीमियम की क्वालिटी है इस गेम पैड की, एकदम अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस गेम पैड की। और पाउच में इसमें आप लोगों ने इसका लोगो देख ही लिया है, पाउच की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इसकी चार्जिंग केबल बात है, ये है इसकी चार्जिंग केबल, टाइप है टू टाइप सी चार्जिंग केबल है, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और अभी के लिए हम लोग अपने गेम पैड के साथ, ये हम लोग का गेम पैड, और इसमें आपको यहाँ पर एक एनालॉग स्टिक देखने को मिल जाती है, दो एनालॉग स्टिक्स के अराउंड आरजीबी लगे हैं बटन्स पे, ये ऊपर प्लास्टिक है जो कि, और अंदर आरजीबी लगी है बटन्स में, जिससे कि बटन्स ऐसे कभी कभी बिटर जाते हैं, कभी करते हैं, वो नहीं होता इसमें। और कीबैप बटन दिया है, और डोजो बटन दिया है, स्टार्ट बटन है, सेलेक्ट बटन है, और ये 4 LEDs है, और यहाँ पे एरोज है, यहाँ पे रबर की फिनिश दी जाती है, मतलब सिलिकॉन की, यहाँ पे सिलिकॉन से उनका लोगो बना है, जिससे कि फ़ोन को कुछ इतना डैमेज ना हो। वैसे डैमेज होता भी नहीं है, कवर तो उसका वैसे भी रहता है, एकदम डैमेज नहीं होता। और यहाँ पे ये दिया हुआ है जिससे कि गिरे ना फोन। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जॉयस्टिक, इसकी जॉयस्टिक बहुत फ्री है, ये बहुत फ्री है इसकी जॉयस्टिक, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब कब अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। मैं EVO Fox 1 और EVO Fox Go को भी ट्राई कर चुका हूँ, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, मैंने उन्हें रिटर्न करा दिया था, पर इसकी प्लास्टिक क्वालिटी उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ऑफ कोर्स ये दबती भी है एनालॉग स्टिक्स, जैसे कि आपको पता ही, वो तो नॉर्मल गेम पैड से भी दबती है। और यहाँ पे आपको ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं, L2 L1 और R2 R1, पर ये ट्रिगर्स क्लिक ट्रिगर्स है। और मैं आपको इतना बता दूँ कि जैसे अगर आपने इसे डोजो से कनेक्ट करा, और फिर आपने उसे डोजो से नहीं कनेक्ट करा, कीबैप से कनेक्ट करा, कीबैप पे आपने उसकी सेटिंग्स बनाई, फिर उसके बाद जब आप उसे डोजो से कनेक्ट करोगे तो फिर उसमें कीबैप की सेटिंग्स नहीं आती। अगर आपको उसमें आए तो इसका मतलब वो कोई प्रॉब्लम है, आप उसे एक्सचेंज करा सकते हो। और हम लोग इसके पीछे चलते, पीछे यहाँ पे इसका ऐप का, ये ऐप का स्कैनर देखने को मिल जाता है, और ये कैसे कनेक्ट होगा वो देखने को मिल जाता है। और गेम पैड के पीछे कोई एक्स्ट्रा बटन्स नहीं देखने को मिलते। और अगर आप किसी इनमें से जो मैंने आपको बताया, तो पहले आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देख, बहुत प्यारा लगता है गेम पैड ऐसे देखने में। और मैं इसके बारे में क्या, ये बटन्स अंदर यहाँ पे RGB है उसके अंदर, तो ये गद्दे लगे, जो कि मैं आपको बता चुका, मैं आपको दिखा रहा था एक बार। और इसमें आपको टोटल एनालॉग स्टिक्स के 8 RGBs देखने को मिल जाते हैं, एट वेरियंट्स। और अगर आप कीबैप प्लस B दबाओगे तो इनकी बंद हो जाती है RGB, बी फिर से दबाओगे तो आ जाती है, एक्स से आप एनालॉग स्टिक्स की चेंज कर सकते हो, दोनों की एक साथ होती है। टोटल आपको इसमें 8 RGBs के इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं,
और अगर कोई इसमें चार्जिंग चेक करती है तो की बैप प्लस आपको दबाना पड़ेगा ए, जैसे आप दबाओगे तो यहाँ पे ये LEDs ब्लिंक होगी, अगर चारों की चारों हुई एक बार, थोड़ी देर के लिए होती है, ज़्यादा हर बार के लिए नहीं होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए होती है, ऐसे नहीं कि हो गई तो होती रहेगी, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होती है, चार हुई पूरी 4 LED लाइट चली तो फिर 100% है, 3 चली तो 75 का अराउंड, या फिर थोड़ा ऊपर है, और 2 जली तो 50% से ऊपर है, और अगर 1 जली तो फिर 50 से नीचे है और 0 से ऊपर है, और अगर 0 हो गई तो चलेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगी बैटरी, और आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो आज का रिव्यू मैं यही पर ही ख़त्म करता हूँ, इसका रीमेक रिव्यू। और अगर आपको जो आपको बताया, अगर इसमें से आपको कोई भी फीचर नहीं देखने को मिलता है तो वो इसकी प्रॉब्लम होगी, उसे एक्सचेंज करा लेना, क्योंकि ये सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बाय बाय गाइस।